राम राम सर। आज मैं आपको बता रहा हूँ गांव की सबसे विशेष हवेली और यूनिक हवेली। ऐसी हवेली आपने भी नहीं देखी होगी अपने जीवन में। आइए, 200-300 साल पुरानी हवेली, ये गांव का है मयूर गार्डन। इस गार्डन की विशेषता, पहले यहाँ बहुत से जानवर हुआ करते थे, बहुत से लोग यहाँ पर योगा एक्सरसाइज करने आते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे ये गार्डन को बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे लोगों को टाइम नहीं मिलता और लोग आपके घर में इतने बड़े बड़े गार्डन, तो गार्डन में लोग आते ही नहीं है। अभी हम चलेंगे आगे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, गाँव का सबसे पुराना गेट और यूनिक गेट। इस गेट की ये विशेषता है, ये इतना मतलब 40 से 20 फुट बड़ा है, आपको एक फोटो में तो आएगा ना। इस गेट की विशेषता है, दूर दूर से लोग फोटो खिंचवाने आते हैं। एक और हवेली देखो, ये गेट की ये विशेषता है कि एक गेट में तो ये आ ही नहीं सकता, ये है गांव। और इस गेट में काफी लोग शूटिंग किए, राजकुमार राव, प्रियंका चोपड़ा, अजय देवगन। ये अब देखो इतना बड़ा गेट, और आज के टाइम पे ऐसे ना गेट बनते, ना कोई बना सकता, ना कोई ऐसी हवेली में रह सकता है। यहाँ की ये पेंटिंग देखो आप, अद्भुत पेंटिंग बनाई गई है। और इस गेट की ये विशेषता, एक बार में एक आदमी से खुल ही नहीं सकता, मिनिमम 3-4 आदमी खुलने के लिए चाहिए। काफ़ी मजबूत बनाया गया है, समझ सकते हो आप, जो फिल्मों वगैरह में देखते हो यहीं पे शूटिंग होती है। इस गांव का नाम है मंडावी। एनी टाइम इधर हवेली वगैरह, ये है आंटी वगैरह जा रही है, देखो एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए। यही जो एरिया था यहाँ जो पीके वगैरह की फिल्म की शूटिंग होती है, जो आमिर खान और शाहरुख खान वगैरह वो सब इस पिक्चर में आते हैं। यह है गाँव की अद्भुत पेंटिंग, बहुत पुरानी पेंटिंग है घोड़े की, आज के टाइम पे ऐसी पेंटिंग कोई बना नहीं सकता। ये ऊपर जो आप देख रहे हो, काफ़ी बारीकी से काम किया गया है, पूरे गांव में ही बताया गया है। मतलब इधर पहले के लोग इतने फ्री और वेले थे और काफ़ी कॉस्टली काम किया गया है। अभी मैं आपको एक और हवेली बताने वाला हूँ। ये जो मैं आपको हवेली बताने वाला हूँ वो भी काफ़ी वहाँ पे शूटिंग होती है साउथ की मूवी की एक्शन की। ये देखो अभी हम लोग उधर जा रहे हैं। अभी मैं आपको एक और यूनिक आदमी से मिलाता हूँ। देखो ये भाई साहब जयपुर से आए हैं, ये मेरे मामा का लड़का है, मतलब काफ़ी अभी एनर्जेटिक है, मतलब इसके गांव में सब कुछ जानता है। ये देखो ये है तीन माले की हवेली, साउथ की मूवी की जो फिल्म थी उसमें इटली का जो एरिया बताया गया था, यही जो एरिया है। इधर काफ़ी टूरिज्म लगा रहता है एनी टाइम, आप जब भी आओगे। अभी भी देखो काफ़ी भीड़ है, हम अभी दोनों मजे लेते हुए एक दूसरे की टांग खींचते हुए आगे चल रहे हैं। ये मुझे सब कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पहले ये था वो था ऐसा ऐसा, मैं इसकी बात सुन रहा हूँ। इस गांव की ये विशेषता, यहाँ पे एनी टाइम शूटिंग वगैरह और स्टार वगैरह आते रहते हैं, ये लोग स्टार को भाव नहीं देते, ऐसा हो गया है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेरिटेज ऑफ मंडावा, मतलब इस गांव को ऐसा हेरिटेज दिया गया है कि यहाँ पे इतनी हवेलियाँ और शूटिंग वगैरह होती रहती है, तो एक टाइप का एक परिचित गांव हो गया है। काफ़ी सारे एक्टर वगैरह आते हैं, जो भी आप गांव के जो पुराने हवेली वगैरह देखते हो सब हमारे गांव में ही होता है। और ख़ास बात ये देखो, यहाँ पे जो भीड़ वगैरह लगती है लोगों को देखने के लिए, देखो ये है 3 से 4 माले की गांव की सबसे पुरानी हवेली, 250 साल पुरानी हवेली है। इस हवेली में मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 300 से 400 रूम है। अभी दरवाजे देख लो, ज़्यादा दरवाजे नहीं है, 50 बार बार के दरवाजे है ये। आज के टाइम पे ऐसी हवेली में कोई एक आदमी तो रह नहीं सकता, और एक टाइप का ढांचा हो गया है। आपके यहाँ पे भी ऐसी हवेली है तो मुझे कमेंट करके बताइए, आप भी इस हवेली में ऐसा रहना पसंद करोगे तो मुझे कमेंट करके बताइए।